आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। जिला पुलिस अधीक्षक महोदया राशि डोगरा डूडी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल मीना के निर्देशन में डीएसटी प्रभारी मनोज सामरिया पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा अवैध बजरी खनन रोकने हेतु जारी निर्देशों की पालना में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 05 बड़ी नावें मशीन सहित 05 डंपर एवं 01 जेसीबी डिटेन कर करीब 250 टन बजरी मौके पर पाई गई। अवैध बजरी खनन एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए थाना दोवडा क्षेत्र में स्थित सोम कमला अम्बा बांध के करेलिया गांव के निकट जिला स्पेशल टीम द्वारा देर रात्रि दबिश दी गई। सोम कमला अम्बा के चारों ओर बजरी माफिया द्वारा बड़े स्तर पर अवैध रूप से बजरी खनन किया जाना पाया गया। मौके पर अवैध रूप से खनन करने में प्रयुक्त 05 बड़ी नावें, जिनमें से 02 नावों में बजरी खनन की मशीनें लगी हुई थी, 01 जेसीबी व 01 डंपर पॉइंट पर बजरी भरने हेतु खड़े थे एवं 04 डंपर पॉइंट से कुछ दूरी पर बजरी भरने की तैयारी में थे, जो टीम को देखकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए चालक मौके से भाग गए। डंपरों, नावों, जेसीबी मशीन एवं मौके पर पड़ी बजरी को डिटेन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मौके पर थानाधिकारी आसपुर व थानाधिकारी दोबड़ा को सुपुर्द किया गया। ये नावें गहरी नदी के पानी में सॉक्शन द्वारा ड्रिलिंग कर बजरी खींचकर दूसरी बड़ी नाव, जिसकी क्षमता करीब 45 टन के आसपास होती है, उसमें भरते हैं तथा फिर वहां से उस बड़ी नाव को नदी किनारे पर लाई जाकर पुनः सॉक्शन नाव दूसरी द्वारा किनारे पर खाली की जाती है। अवैध खनन द्वारा निकाली गई इस बजरी को वाहनों में भरकर सीमावर्ती राज्य गुजरात, सीमावर्ती जिले बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ऊंची दरों पर बेचा जाता है। खबर आपकी राजस्थान से प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट।